मध्य प्रदेश अब भ्रष्टाचार और घोटालों का गढ़ बन चुका है। 220 महा की सरकार में 220 से अधिक महा घोटाले मध्य प्रदेश में होते हैं। आप सब जानते हैं जिस तरह से व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में होता है, पटवारी भर्ती महा घोटाला मध्य प्रदेश में होता है, जिसमें 12 लाख नौजवानों का भविष्य सरकार ने अंधकार में डाल दिया। पुलिस महा घोटाला मध्य प्रदेश में होता है। तो ऐसे अनेक घोटाले मध्य प्रदेश में पिछले 220 माह की सरकार में हुए हैं। और भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने, हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक आवेदन, लिखित आवेदन हाईकोर्ट ग्वालियर में लगाया और वहां पर ये उल्लेख किया उस बात का कि मध्य प्रदेश की सरकार काम करने के एवज में 50% कमीशन मांगती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश 50% कमीशन वाला राज्य बन चुका है। कर्नाटक में जहां पर 40% कमीशन लिया जाता था, तो कर्नाटक की जनता ने उस 40% कमीशन लेने वाली सरकार को कर्नाटक से उखाड़ फेंका है। आप सबके माध्यम से मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो घोटालों का प्रदेश बन चुका है, जहां पर 50% कमीशन काम करने के एवज में हमारे ठेकेदार भाइयों को देना पड़ता है, ऐसी भ्रष्टाचारी और कमीशनखोर सरकार को हमें मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। और एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में लानी है जो किसान की बात करे, जो दलित आदिवासी गरीब के उत्थान की बात करे, जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात करे, ऐसी मजबूत सरकार मध्य प्रदेश में हमको लानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।